हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैया नंदी। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसान के शरीर में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसका बदलाव होता है, ऐसे परिवर्तन होते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपका उम्र के साथ साथ आपको कई सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि स्किन का ढीला होना और चेहरे पर ज़्यादा दाग धब्बे, पिंपल, काले दाग जो है, और आँखों से पानी गिरना, आँखों की रोशनी कम हो जाना और सफ़ेद बाल होना, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाना, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन अगर आप जो ये सारी समस्याएं हैं अगर आपको पहले अगर हो जाता है तो आपको कैसे क्या चीज़ का सेवन करें कि आप खुद को स्वस्थ रख सके और फिट रख सके, ताकि आपको इन जो सारी बीमारी है, जो सारी परेशानी है, आप उसे लड़ सके। तो आज हम आपको कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों लोग अपने आप को फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, हमेशा स्वस्थ रखने के लिए इस चीज़ का सेवन अगर आपको करते हैं तो भले ही अगर आपका उम्र बढ़ता है तो आपको इन सारी समस्याओं के सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, अगर इसमें दी गई जानकारी अगर आप लोगों से कुछ फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे कि अगर आपकी जो स्किन काफ़ी लूज हो रही है, बहुत ही ढीली पड़ रही है स्किन, तो इसके लिए जो है आप अपने बॉडी का मसाज करें। चाहे तो फुल बॉडी मसाज कर सकते हैं, चाहे सिर्फ एक एक अंग यानी कि हाथ का, पैर का, या फिर अपनी स्किन का ही मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के लिए कोई एक अच्छा ऑयल का आप च्वाइस कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अच्छी डाइट लें, अच्छी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। और अगला है कि भरपूर नींद लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगला है कि योगा और एक्सरसाइज। योगा और एक्सरसाइज करना से भी हमारा शरीर काफ़ी स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है और स्ट्रांग रहता है। आपको समय नहीं मिलता, आप कितना हो भी बिजी, सुबह 10 मिनट करिए, शाम को खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं तब 10 मिनट करिए, दिन में यानी कि रोज़ आप 20 मिनट कर सकते हैं। सुबह और शाम को मिला के 20 मिनट आप योगा एक्सरसाइज खुद के लिए पर्सनली इतना समय तो निकाल सकते हैं, इतना आपके लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम उसका इस्तेमाल करें तो आपको इन सारी समस्याओं से लड़ने में आपको मदद करेगा, ताकत प्रदान करेगा, एनर्जी और इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी आपको, और आपके अंदर से हिम्मत और हौसला भी बरकरार बने रहेगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमारे शरीर में हिम्मत है, जुनून है, होश है, तो हम किसी भी बीमारी का सामना कर सकते हैं। तो गाइस, वो है पहला है लौकी का जूस, दूसरा है गाजर का जूस। ये लौकी और गाजर का जूस अगर आप नियमित तौर से रोज़ाना पीने लगते हैं तो इसे आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और आपका शरीर हेल्दी, स्वस्थ और एकदम खुशहाल रहेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं सबसे पहले कि लौकी का जूस पीने के क्या फ़ायदे होते हैं, इसमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमें इन सारी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। लौकी में डाइट्री विटामिन ए, फाइबर, विटामिन सी, थायमिक, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, ऐसे पोषक तत्व तो लौकी में पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सेहत के लिए इन सारे चीज़ों की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। गाजर में कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। और गाजर में विटामिन ए, के और सी, इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है कि हमें स्वस्थ, हमेशा खुशहाल और हमारे कई सारे ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए गाजर के जूस का सेवन करना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर आप अपनी सारी बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि समय से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, स्किन प्रॉब्लम, जैसे स्किन में हमेशा दाग धब्बे, पिंपल का निकल जाना, कोई भी क्रीम, कोई भी ऐसे मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से जो है दाग धब्बे पिंपल साफ़ हो जाते हैं, फिर जो है अंदर से कुछ दिन बाद फिर से वैसे ही काले दाग नज़र आते हैं, तो अगर नेचुरल तरीके से हम हमेशा के लिए क्यों ना ठीक कर लें, तो आप लौकी और गाजर का जूस का सेवन करना। देखिए, आपके सिर्फ नेचुरली तरीके से सिर्फ यही नहीं, कई सारी ऐसी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये जो आज हमने छोटा सा टिप्स आप लोगों को बताया इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, अगर ये टिप्स आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे मेल आईडी भी नीचे दे रखी हूँ, अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना ध्यान दें। Thank you.